नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीले अड़हुल के फूल को जादुई फूल क्यों कहा जाता है। इसके पहले मैं लाल अड़हुल के फूल के बारे में बहुत कुछ बातें बताई हूँ, जिसे सुनकर आपको अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि धरती पे बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे घर में लगाना शुभ माना जाता है। वही कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो घर में अगर लगा रहे तो आपके घर में कभी भी धन नहीं टिकेगा। आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। दोस्तों, कहा जाता है कि घर में कुछ खास पौधे लगाने से आपके घर में पैसों की कमी दूर होगी। आप सभी को पता है हम लोग घर में मनी प्लांट लगाते हैं। बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि माताएं बहनें अपने घर के मुख्य द्वार पे लगाती है, कुछ माताएं बहनें आंगन में लगाती है, और बहुत सारे घरों में पाया गया है कि वह घर के कमरे में लगाती है। मनी प्लांट यानी कि पैसा का पौधा। कहा जाता है कि जिस घर में भी मनी प्लांट का पौधा रहता है उस घर में पैसा की कभी भी कमी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, घर में मनी प्लांट है फिर भी हमारे घर में पैसा की कमी है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि अगर आप घर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पौधा लगा के रखेंगे तो उसका हमेशा आपको फल नकारात्मक ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके घर में मनी प्लांट का पेड़ है, जैसे कि मनी प्लांट का पौधा आप अपने कमरे में, घर के बाहर में, आंगन में, कहीं पे भी लगाई हुई है, और अगर घर में एक भी कांटा का पेड़ है, आप सभी को पता है कि हम लोग खूबसूरत दिखने के लिए घर को कांटा का छोटा मोटा पौधा लगाते हैं। घर के बाहर भी कांटा का पेड़ रहता है, जैसे कि गुलाब का पेड़, वह भी कांटा का ही पेड़ कहलाता है। अगर आप घर में कांटा का भी पेड़ लगा के रखती हैं और घर में मनी प्लांट भी लगा के रखती हैं तो फिर आपके घर में नकारात्मक वाइब्स ही आएंगे, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा ही आपके घर में आएगी। कभी भी घर के अंदर कांटा का कोई भी पौधा नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, घर के बाहर भी अगर आप कोई भी कांटा का पेड़ लगा के रखी हैं, जैसे कि कैक्टस लगा के रखी हैं, तो वह घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप दाहिने ओर रखिए या बाएं ओर रखिए, लेकिन सामने में आपको नहीं रखना है। ठीक उसी तरीका से दोस्तों, पीला अड़हुल को जादुई फूल कहा जाता है। कहा जाता है कि पीला अड़हुल आपके घर की ओर पैसा भी खींचेगा। आपके घर के बाहर में कुछ ऐसे मुख्य पौधा होते हैं जो आपके घर में लगाना ही लगाना चाहिए। अगर आपको जानना है कि वह कौन सा पौधा है जो लगाना चाहिए, कौन नहीं लगाना चाहिए, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। दोस्तों, घर में कम से कम हमें लाल और पीला अड़हुल जरूर लगाना चाहिए। कहा जाता है दोस्तों कि पीला अड़हुल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से बहुत ही धन की प्राप्ति होती है। वही दोस्तों, लाल अड़हुल भी अगर आप माता को प्रत्येक दिन चढ़ाती हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों, हर घर में अनेक पेड़ पौधा लगाना संभव नहीं होता है, चाहे फूल का हो या किसी भी तरह का खूबसूरती वाला पेड़ हो, वह बहुत सारा लगाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक इसी तरीका से दोस्तों, घर में अगर आप गमला में कोई भी पेड़ पौधा लगा रही हैं तो आपको पीला रंग का अड़हुल का फूल जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, पीला रंग के अड़हुल को जादुई फूल क्यों कहा जाता है? दोस्तों, वैसे तो हम लोग देवी देवताओं को अनेकों फूल चढ़ाते हैं, लेकिन मात्र एक ऐसा पीले रंग का ही फूल होता है जो हम लोग किसी भी देवी देवता को आराम से चढ़ा सकते हैं। आप सभी को पता है भोले बाबा को लाल रंग का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन पीला अड़हुल हम लोग जरूर चढ़ाते हैं। चाहे कोई भी देवी देवता हो, हम लोग पीला अड़हुल उनको चढ़ा सकते हैं। ठीक इसी तरीका से दोस्तों,
पीला अड़हुल का एक ऐसा सरल उपाय होता है जो आपके घर में आप घर बैठे कर सकती हैं और घर बैठे अपने घर की पैसा की बरकती कर सकती हैं। अगर आपके घर में पीला रंग का अड़हुल का पौधा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको आज के आज पीले रंग के अड़हुल के पौधा को लगा लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पीला रंग का फूल लगाती हैं, अड़हुल का फूल लगाती हैं, आपको उसमें नित्य दिन यानी कि रोज तो आप पूजा पाठ करती हैं, उसी जल को आपको थोड़ा सा पीला अड़हुल में भी डालना है। लेकिन खास तौर पे शुक्रवार के दिन बिना भूले उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल भी चढ़ाना है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास है, माता रानी का कृपा है, तो वह फूल के पेड़ में कली जरूर आएगा और आपको फल जरूर प्राप्त होगा। ठीक इसी तरीका से दोस्तों, अगर आप शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा करती हैं, पूजा पाठ रखती हैं, व्रत करती हैं, तो आपको इस दिन भी पीला अड़हुल माता रानी को जरूर चढ़ाना चाहिए। किसी भी देवी देवता को फूल बेलपत्र चढ़ाने से पहले हम अपने मन की मनोकामना को जरूर बोलते हैं। आपको अपने हाथ में, अगर आपके घर में खिला हुआ फूल है बहुत अच्छी बात है, आसपास पे से भी आप पीला रंग का अड़हुल फूल ला सकती हैं। हाथ में लेकर के पूजा पाठ, जैसे कि आपको पता है हम लोग पहले टीका चंदन लगाते हैं, उसके बाद फूल बेलपत्र चढ़ाते हैं। हाथ में अपना फूल लेकर के और आपको वह जो भी आपकी मनोकामना है दूर से ही उस फूल में बोल देना है। कहा जाता है दोस्तों कि पेड़ पौधा भी घर में लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ठीक इसी तरीका से अगर आप अपने बात को पीले रंग के अड़हुल के फूल में बोलती हैं और उसे चढ़ाती हैं, तो इससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। आपको माँ लक्ष्मी को चढ़ाना है। अगर आपका गणपति और माँ लक्ष्मी दोनों मूर्ति एक साथ ही है तो आप बीच में स्थापित कीजिएगा, जिससे कि गणपति और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि घर में मनी प्लांट लगाने का सबसे सही स्थान क्या होता है। मनी प्लांट तो हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन अगर सही स्थान ही हमें नहीं पता, कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, किस जगह से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, किस जगह से नहीं प्राप्त होगा, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसी तरीका से दोस्तों, कहा जाता है कि पीले रंग के फूल में जादू भी पाया जाता है। वैसे तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए हम लोग अनेक उपाय करते हैं, लेकिन मात्र एक ऐसा पीला रंग का फूल है जिसका उपाय करने से आपको फल जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप नियम से शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का जिस दिन दिन होता है, 7 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी के दिन के आप पीले रंग का 7 फूल लेकर के माला बना के माता रानी को चढ़ाती हैं, तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि माता रानी को पीला रंग का फूल चढ़ाने से माता रानी ज़्यादा आकर्षित होती है, यानी कि ज़्यादा आप पे फल प्रदान कर सकती हैं। तो आप लोगों भी पीले रंग का फूल माता रानी को जरूर चढ़ाइएगा। चढ़ाने के साथ साथ आप सभी माता रानी से अपना आशीर्वाद जरूर पाइएगा और माता रानी खुश होके, प्रसन्न होके आपको आशीर्वाद जरूर देगी। तो यह थी कुछ खास जानकारी पीले रंग के जादुई फूल के बारे में। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।